उलझा हुआ रहता है हर वक्त किसी ना किसी मुद्दे पे, कभी राम मंदिर तो कभी 370, आजकल एनआरसी का बहस चल रहा है। देश जब तक एनआरसी में उलझा हुआ है तब तक वित्त मंत्री ने एलआईसी का सौदा कर दिया है। आप देख लीजिए, देख लीजिए किस देश में हो क्या रहा है। अगर मान लीजिए कि हम सरकार हैं तो हमारे लिए सरकारी कंपनी सबसे पहली प्राथमिकता होगी ना। सरकार अगर माए बाप है, बिहार के लोग बोलते हैं माए बाप सरकारी ही सूत्र में, दरोगा जी हम पकड़ लेंगे तो लोग कहेगा छोड़ दीजिए सरकार माए बाप। सरकार है आप तो सरकार माए बाप है सरकारी कंपनियों की। ऐसा माए बाप देखे हैं कि अपना बच्चा कहे पापा पापा विस्तृत दीजिए उसको झापड़ दे, पर पड़ोसी के बच्चा तो गोली में लेके घाय डाली घाव आई उसको चौपी दे। प्रधानमंत्री कहेंगे उनकी कंपनी कौन सी, जियो की पीएस है। प्रधानमंत्री के लिए उनकी कंपनी पीएस है, मोदी जी के लिए जियो है। प्रधानमंत्री के लिहाज से चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो उसकी कंपनी पीएस है, उसका हवाई जहाज भी है इंडिया, उसका रेलवे भारत के है, उसका पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम नहीं। ऐसा होता है कि सरकार ने बीएसएनएल भी क्या है और जियो धरना बंद हो जाए। ट्रेन में उनको पहले लिखा होता था कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, ऐसा राष्ट्रवाद तो हमने नहीं देखा जो राष्ट्रीय संपत्तियों का सौदा करते। और सोचिए कि अगर जो नीति आज हमारे साथ हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है उस नीति का तकाजा क्या है, उस नीति का नतीजा क्या है। सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी भारतीय रेल नहीं होना चाहिए, सरकारी एयर इंडिया नहीं होना चाहिए, सरकारी भारत पेट्रोलियम सरकारी बीएसएनएल नहीं होना चाहिए। तो सरकारी वित्त मंत्री गृह मंत्री प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे। सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, हर जगह चेके पे बहाल किया जा रहा है। बिहार पुलिस के लोग भी सुन लीजिए ध्यान से, मेरा मीन है माजी साहब हमको मेरी कहीं है अमित शाह का बेटा जो है एकदम बापे जैसा लगता है, उसका क्या मेरिट है, उसको कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। लड़का सामने क्रिकेट खेल रहा है ना, इतना जितना इसको क्रिकेट आता है नहीं उतना भी क्रिकेट उसको नहीं आता है, उसको कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है, क्या मेरिट है। यही मेरिट है कि उसका बाप परिवार हुआ था, उसके बाप के धंधा करने में, उसका बाप हिंदू मुसलमान करने में माहिर है, क्योंकि हमारा बाप तो हमको यह कहना सुनाया तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।